तो जिस फ्रीडम 251 फोन को सबसे सस्ता 3G स्मार्टफोन कहा जा रहा है उसे लेकर तीन विवाद जुड़ गए। पहला इसकी लॉन्चिंग को लेकर है, डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर को इसमें शामिल होना था लेकिन वो नहीं पहुंचे। दूसरा विवाद, इंडियन सेलुलर एसोसिएशन ने कहा कि जिस फोन की रिटेल कॉस्ट 3,500 से 4,100 रुपए के बीच है वो 251 रुपए में कैसे मिले। तीसरा, इस फोन बुक करने के लिए कंपनी के ने जो तरीका बताया था वो बुकिंग होने से पहले ही फेल हो गया है।